नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल फैंस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके एल्युमिनियम टेक्निकल सुपर चैनल में। तो आइए फैंस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो एल्युमिनियम डोर हमारे 10 गेज में बनाते हैं तो इसमें सरिया किस तरह लगा के इसको मजबूत कर सकते हैं हम। तो इसी टॉपिक पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आइए फैंस बने रहें हमारे साथ और वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि फैंस आप देख रहे हैं, ये जो है सबसे पहले हम हाइट के डंडे काट रहे हैं इसमें। ये सब डोर के डंडे हमारे, एल्युमिनियम डोर जो होता है, और ये सब हाइट के डंडे हमारे, ये देख सकते हैं आप, ये सारे 10 गेज में हैं। और इस तरह से जो है हाइट के डंडे हम सबसे पहले काट लेंगे सारे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये सारा 10 गेज का माल है हमारा। और ये 10 गेज में जो है सारे डोर हमारे तैयार करने हैं, और इसके मजबूती के लिए हमने इसमें सरिया भी डालना है, क्योंकि ये हैवी माल है, तो हैवी माल में अगर मजबूती नहीं होगी तो ये हिल जाएगी डोर। तो इस तरह से आप जो है किस तरह से सरिया इसमें लगा सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, हाइट के डंडे काटने के बाद ये जो है हमने मार्किंग करना स्टार्ट कर दिया है, और इसमें इस तरह से हम मार्किंग करते हैं सभी डंडे को डालते हैं। बने रहे हमारे साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। इस तरह से देख सकते हैं आप, ये जो है हमने सबसे पहले मार्किंग कर दी है ऊपर वाली साइड, ये जो हमारा 3.25 का सेक्शन आएगा चौड़ाई में उसका, ये देख सकते हैं आप, ये हमारी जो है मार्किंग ऊपर वाली साइड हो चुकी है। सभी डंडे इस साइड से हमने बराबर कर, आप देख सकते हैं 3.25 इंच का सेक्शन हमें ऊपर लगाना है, और नीचे साइड भी हमें 3.25 लगानी है। इस तरह से हम पेज काट के नीचे भी मार्किंग निशान लगाने के मार्किंग का बराबर कर देते हैं। इस तरह से फैंस जो है नीचे भी मार्किंग कर देंगे। अगर हम दुनिया से करते हैं तो थोड़े समय में करनी पड़ती है, इसलिए हम एल्युमिनियम का सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, एक ही बार में सभी की मार्किंग हो जाएगी। तो इस तरह भी आप मार्किंग कर सकते हैं, ज़्यादा डोर है अगर आपके पास तो आप इस तरह से जो है सभी को एक साथ रख के और इस तरह से मार्किंग आप कर देंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरह से फैंस जो है हमारे सभी डंडों में मार्किंग हो जाएगी, ये देख सकते हैं आप, बराबर निशान पे पकड़ना है हमने दोनों साइड, और उसके बाद इस तरह से हमने पेंसिल से मार्किंग कर देनी है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमने जो खाना है नीचे का खाना, जो हमने 2.5 फीट या 3 फीट जितना भी रखना है आपने उतने पे रख के, और सेंटर वाली मार्किंग भी आपकी हो जाएगी इस तरह से, ये देख सकते हैं आप। ये गेज जो हमने लिया है ये भी हमने 10 गेज में ही लिया है, क्योंकि अगर हम इसमें हल्के से अगर निशान लगाएंगे तो हमारे एंगल आगे पीछे हो जाएंगे, इसलिए जो सेक्शन हमने यूज करना है उसी सेक्शन का गेज लेना है। जैसे कि हमारा ये 10 गेज का लग रहा है, तो हमने 10 गेज का ही 3.25 का बीच का टुकड़ा लेके उसके हिसाब से मार्किंग करनी है। नीचे का खाना हमने 2.5 फीट अगर रखना है आपने तो 2.5 फीट रख सकते हैं, और अगर आपने 3 फीट रखना है तो 3 फीट भी रख सकते हैं। इस तरह से फैंस जो है फटाफट इसमें मार्किंग हो जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इससे क्या है फैंस, माल हमारा पूरा हैवी होता है, सरिया अगर लग जाएगा तो हमारी डबल की वैसे ही ये हैवी होता है, और अगर हम इसमें एंगल के साथ ही इसको जोड़ देंगे तो इतनी मजबूती नहीं आएगी, और एंगल के साथ साथ हम इसमें सरिया भी डाल देंगे। इस तरह से आप जो है किसी भी दौर में अगर आप 16 गेज में बनाते हैं या आप 14 गेज में बनाते हैं, और अगर आप डाल देंगे तो इस तरह से जो है आपका डोर जो है सालों सालों तक मजबूत हो जाएगा। इस तरह से जो है फ्रेंड्स हमने मार्किंग कर दी है, आप देख सकते हैं वीडियो में, सेंटर में भी आती है हमारी मार्किंग। इस तरह से आप मार्किंग करने के बाद अब इसमें जो है एंगल लगा देंगे हम
सारे ज़्यादा डाउन नहीं करनी पड़ेगी, इससे थोड़ा सा ठोकने से सेक्शन हमारा अंदर को प्रेस हो जाएगा और जॉइंट जो है हमारा अच्छा मिल जाएगा। इसलिए फैंस जो है इस तरह से पहले हमने थोड़ा थोड़ा ये हथौड़ी से या हथौड़े से दबा देना, क्योंकि 10 गेज का माल है तो हथौड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और भारी हथौड़ी है तो हथौड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि सेक्शन अंदर की साइड थोड़ा दब जाए। जहाँ जहाँ पे मार्किंग की है वहाँ वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं आप इस तरह से। उसके बाद फैंस आप देख सकते हैं एंगल लगेंगे आपके, एंगल आपके दोनों साइड लगेंगे, एक इस साइड भी लगेगा और उस साइड भी लगेगा। ये ऊपर का हिस्सा है हमारा, ये ऊपर के हिस्से में भी इसी तरह एंगल लगेंगे, और इसी तरह एंगल आपको बता दूँ मैं नीचे भी आपको लगाने पड़ेंगे दोनों साइड, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से डबल एंगल लग जाएगा आपका, सेंटर में भी डबल एंगल, सेंटर में तो हम डबल एंगल लगाते हैं और नीचे भी चारों साइड हम डबल एंगल लगा देंगे। उसके बाद फैंस आप देख सकते हैं 3 सूत का सरिया है हमारा लोहे का। इसको फैंस क्या करना है हमको, जो हमारा साइज है, जैसे कि अगर हमारा डोर का साइज 3 फुट का है और अंदर का अगर हमारा जो डंडा है जो मेंबर चौड़ाई में हम लगाते हैं, उस मेंबर को जो है हम अगर हमारा 30 इंच का निकल रहा है बीच का, तो उससे हम 3 इंची सरिया फालतू लेंगे। जो साइज हमारा डोर का उसके जो बीच का जो डंडा जो मेंबर रखते हैं उससे 3 इंची फालतू रखेंगे, जिससे कि 1.5 इंची इस साइड और 1.5 इंची उस साइड, दोनों साइड 1.5 इंची के लगभग जो है हमारा सरिया दोनों साइड आ जाए, जिससे कि हमारी नट उससे चढ़ जाए। इस तरह से फ्रेंड्स जो है ये सरिया को जो है उसी हिसाब से साइज से अलग अलग काट लिया, जो हमारा डोर बड़ा जो भी है हमने उसको सेक्शन नाप के और उससे 3 इंची फालतू रखे, हमने ये सारे सरिया जो है साइज के काट लिए। इस तरह से जो है आप सरिया जो है साइज से काट सकते हैं और जो है अंदर का मेंबर है उससे 3 इंची फालतू लेके, जिससे कि आपकी सरिया जो है 1.5 इंची ऊपर 1.5 इंची नीचे निकल जाए। इसमें हमने 3 सूत का सरिया इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर सरिया हमने काटने के बाद ये आप देख सकते हैं रात मशीन लगी होती है उनको दे दिया है चूड़ी काटने के लिए। इस तरह से जो है हमारी 3 इंची चूड़ी निकाल देंगे इस साइड, 3 इंची दूसरी साइड, 3 इंची चूड़ी रखवाई है दोनों साइड। इस तरह आप देख सकते हैं चूड़ी कट जाएगी हमारी सरिया में। चूड़ी कटने के बाद इसमें हम नट बोल्ट आराम से लगा सकते हैं, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ये चूड़ी कट गई हमारी सरिया में पूरे, देख सकते हैं आप 3 इंची हमने इस साइड कटाई है चूड़ी और 3 इंची दूसरी साइड, दोनों साइड हमने जो है 3-3 इंची चूड़ी कटा दी है सरिया में। तो इस तरह फैंस आप सरिया काटने के बाद खराद मशीन पे भी ले जा सकते हैं, और फैंस अगर आपको ज़्यादा पल्ले तैयार करने हैं ज़्यादा है तो आप इसका जो है सांचा जो चूड़ी जिससे काटते हैं वो भी ला के खुद भी काट सकते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है और इससे जो है हमारा थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। उसके बाद फैंस आप देख सकते हैं जैसे कि हमने दरवाज़ों में जो है हमने एंगल लगा के दिखाए थे आपको, एंगल लगने के बाद जो एंगल और जो हमारा जो ये डोर के जो जिसमें हम ग्लास फिट करते हैं बीच का जो ग्रुप है बिल्कुल एंगल और ग्रुप के बिल्कुल बीच में सुराख निकालेंगे इस तरह से। पहले हमने थोड़ा पतला बिट इस्तेमाल करना है जिससे कि हमारा जो है सुराख बिल्कुल सीधा हो, और उसके बाद फैंस हमको पतले बिट से करने के बाद फिर उसके बाद हमको अगर हमारा सरिया 3 सूत का है तो हमको 4 सूत के बिट से सभी में सुराख कर लेने, जैसे कि फैंस आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप देखिए ये जो है हमारा अभी थोड़ा सा इसमें सरिया नहीं सही से फंस रहा है और हमने अब 4 सूत का बिट लगाया है, इसमें सरिया जो है हमारा बिल्कुल आराम से आ जाएगा। ये देख सकते हैं ये सरिया हमारा बिल्कुल आराम से आ गया। इस तरह से आप सभी में सुराख निकाल लेंगे, जितने भी आप देख सकते हैं आप ये जो हमारा एंगल है और जो हमारा ग्रुप होता है सेक्शन का जो बीच का उसमें बिल्कुल उसके बीच में एंगल और ग्रुप दोनों को मिला के आप बीच में सुराख कर देंगे। इस तरह से
करते समय अगर आपका एंगल चेंज हो जाता है तो उसके बाद आपने इस तरह से एंगल टाइट कर देने दोबारा से, जिससे कि एंगल भी आपका मजबूत हो रहे। और इस तरह देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा ये जो है पल्ला बनने के लिए तैयार हो रहा है माल। इस तरह आप जो है सरिया लगाने के लिए इसको इस तरह से जो है आप सरिया लगा सकते हैं। और सरिया आप किसी भी गेज में लगा दें, किसी भी गेज में। इस तरह से आप देख सकते हैं एक मिनट हमने ऊपर पहले लगा दिया है, जिससे कि डेढ़ इंच ही सरिया हमारा नीचे जाएगा और उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। और बार बार हम सरिया ऊपर नहीं करना, इस तरह से सरिया कर दिया है। अब हम जा के दिखाते हैं आपको किस तरह आपने जो है सरिया को फंसाने के बाद किस तरह आपने सेक्शन डालना है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ऊपर से हमने सेक्शन लगा दिया, जैसे कि हम पल्ले जोड़ते हैं उसी हिसाब से जो है हमने सेक्शन जोड़ दिया है, जैसे कि आप पल्ले जोड़ते हैं। ये देख सकते हैं आप ऊपर भी हमारा डेढ़ इंच के लगभग निकला हुआ है। तो इस तरह से जो है आप दोनों साइड सरिये का इस्तेमाल करके और सेक्शन इस तरह फंसा देंगे, जैसे आप देख सकते हो वीडियो में ऊपर हमारा डेढ़ इंची सरिया निकला हुआ है। तो ये हमारा ऊपर से आ जाएगा, जो ऊपर सेक्शन आएगा उसमें। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें वार्सल लगा के नट लगा के इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद फ्रेंड्स मैं बता दूँ इसमें आपको ये जो है पल्ला आपका कभी भी हिल नहीं सकता है, क्योंकि एक तो ये 10 गेज का है और ऊपर से हमने इसमें जो है सरिया भी इसमें 3 सूत का डाला है। तो और इस तरह से फैंस जो है हम ऊपर से भी ये सेक्शन डाल देंगे, देख सकते हैं आप जैसे कि वीडियो में इस तरह से जो है ऊपर भी सेक्शन इसमें फंसा देंगे बिल्कुल इसके साथ में, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हमारा जो है ऊपर से पड़ने के बाद हम इसमें सरिया देख सकते हैं आप फंसा दिया है। और इस साइड भी आपका देख सकते हैं डेढ़ इंच के लगभग सरिया निकला हुआ है हमारा। तो इसमें हम नट बोल्ट फंसा के और इसको अच्छी तरह से चाबी या साइज उस साइज का पाना लगा के इसको टाइट कर देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं साइड ये जो हमारा सरिया निकला हुआ है इसमें नट बोल्ट फंसाना है। और नट बोल्ट फंसा के और इसको हम दोनों साइड से एक भर देने, इस साइड से और उस साइड से। जो हमारे इसमें जो स्क्रू जो आपके इस साइड पीछे वाली साइड जो आएंगे अगर वो आपके फंसते हैं तो स्क्रू आपको जो है इस पीछे वाली साइड के आपको काटने पड़ेंगे, जिससे कि हमारा पूरा पार्सल जो है नीचे बैठ जाए आराम से और नट भी हमारा अच्छी तरह से टाइट हो जाए। तो इस तरह से फैंस जो है आपका सरिया लगा के पल्ला आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इस तरह से फैंस जो है आप देख सकते हैं आप किसी भी गेज में सरिया लगा के पल्ले तैयार कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें हम पेच भर देंगे इस साइड से भी और उस साइड से भी, दोनों साइड से इसको लगा देंगे, जिससे कि हमारी दोनों मजबूत किया जाए। और इस तरह से फ्रेंड्स जो है आप किसी भी डोर में सरिया लगा के और डोर जो है आप तैयार कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स मैं दिखा दूँगा अल्लाह हमारा पूरा तैयार हो। अब हमारा बनके तैयार हो गया है। तो इस तरह से फैंस जो है हम डोर में सरिया लगा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद फैंस।